हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दांतों का कीड़ा बाहर निकालने के बेहतरीन उपायों के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दांतों की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ, हमें दिन में 2 बार तक अच्छे से ब्रश करना चाहिए। इससे होगा कि हमारे दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कई सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम उन्हें आगे जाकर ज़रूर भुगतना पड़ता है। जी हाँ, दांतों की ठीक से केयर ना करने के कारण दांतों में कैविटी यानी कि कीड़े लगना, खून आना, दांतों में दर्द होना जैसी समस्याएं आने लगती हैं, जिससे कि दोस्तों दांतों में दर्द होने लगता है जो सहन करना आसान नहीं होता। और हाँ दोस्तों, दांतों में कीड़ा लग जाने पर हमारे दांत अंदर से खोखले होने लगते हैं और वहाँ पर खड्डा बन जाता है और धीरे धीरे दांत खत्म होने लगता है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए कुछ लोग दांत का कीड़ा मारने की दवा का सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम बिना मेडिसिन के ही घरेलू नुस्खे और साथ ही आयुर्वेदिक उपायों से दांत के कीड़े का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड, दांत में कीड़ा लगना यानी कि टूथ कैविटी एक आम समस्या हो गई है। जी हाँ, क्योंकि रोज नियम से ब्रश करने के बाद भी कभी कभी दांत में कीड़ा लग जाता है जिसका पता ही नहीं चलता है और एक दिन दांत में तेज दर्द भी होता है। जी हाँ, दांत में कीड़ा दांत पर जमा होने वाले मैल की परत जिसे प्लेक कहते हैं, इसके कारण लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं होने की वजह से दांत को हुआ नुकसान होता है, जिसके कारण दांत की ऊपरी मजबूत परत एनामल नष्ट होकर दांत अंदर तक खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं दांतों के कीड़े को मारने के आसान बेहतरीन उपाय क्या क्या है। दोस्तों सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दांतों में कीड़े आने के कारण क्या होते हैं। जी हाँ, दांत का एनामल कमजोर पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में और बार बार मीठे पदार्थ खाना या फिर पीना, दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं कर पाना, खट्टी डकार से पेट के एसिड से दांत को नुकसान होता है। जी हाँ, इसके अलावा बड़े लोगों में ज़्यादातर कीड़ा लगने की शुरुआत पीछे के दांतों से होती है, है ना फ्रेंड। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि पीछे के दांतों में खाना फंसने की आड़ी और टेढ़ी जगह ज़्यादा होती है। ब्रश करते समय वहाँ जगह कम होने के कारण ब्रश ढंग से नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। और हाँ फ्रेंड, शुरू में दांत में बहुत छोटा सा छेद बनता है, इस समय किसी भी प्रकार का दर्द आपको नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन ये दांत के नष्ट होने की शुरुआत है, इसीलिए तुरंत इसका इलाज होना चाहिए ताकि तेज दांत के दर्द की परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों ये छोटा सा छेद भी आपके दांतों की जड़ों तक पहुंचकर तेज दर्द पैदा करता है, इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दांतों के कीड़े मारने के रामबाण घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जी हाँ, यानी कि इनसे आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा और बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये उपाय आम दवा से भी ज़्यादा असरकारी है और आप कम खर्च करें ही घर पर ही कीड़े को निकाल देंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं दांतों से कीड़े निकालने के उपाय क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला है जायफल। जी हाँ, जायफल दांतों के कीड़े को मारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसका उपयोग सिर्फ दांतों के कीड़े को मारने के लिए ही किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप एक रुई के टुकड़े को जायफल के तेल में भिगोकर कीड़े वाले दांत पर रख दीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उस रुई को कीड़े वाले स्थान पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद हल्के गर्म पानी से कुल्ला करके अपना मुंह साफ कर लीजिए। जी हाँ, दिन में 3 बार कम से कम इसका प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके दांत के कीड़े खत्म होने शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले उपाय में आप 1 से 2 लहसुन की कली को रोज़ाना दिन में 2 बार कीड़े वाले दांत से चबाइए। जी हाँ, चबाने पर इससे निकलने वाला रस यानी कि जूस को आप कीड़े और साथ ही दर्द करने वाले दांत पर बनाए रखिए। जी हाँ, क्योंकि ये रस दांतों के कीड़े को मारने में बहुत ही मदद करेगी। और हाँ फ्रेंड, दांत के कीड़े मारने के लिए लहसुन की कली में सेंधा नमक मिलाकर भी कीड़े वाले दांत पर लगाया जाता है, तो ये बहुत ही प्रभावकारी उपाय होता है। जी हाँ, इसके साथ ही फ्रेंड, दांतों से जुड़े सभी रोग से छुटकारा पाने के लिए आप रोज़ाना लहसुन का उपयोग ज़रूर करते रहिए, इससे आपके दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। दोस्तों प्याज के छोटे टुकड़े को कीड़े वाले दांत पर रखकर छुपाएँ, फिर इसमें से जो लार निकले उसे कीड़े वाले दांत पर ही बनाए रखिए। ये लार दांतों के बैक्टीरिया और साथ ही कीड़ों को मारने में बहुत ही मदद करती हैं। जी हाँ, जिससे कि आपके दांत का कीड़ा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला उपाय जो कि बहुत ही इफेक्टिव है वो ये है कि आप सरसों के तेल और सारी नमक मिलाकर इसे दांतों को ब्रश करिए। जी हाँ, हर रोज़ इस उपाय को करने से दांतों का कीड़ा खत्म हो जाता है। जी हाँ, साथ ही दांतों का पीलापन दूर होता है और साथ ही आपके दांत सफ़ेद होते हैं, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, नीम से निकाले अपने दांतों का कीड़ा। जी हाँ फ्रेंड, सदियों से नीम के तने का प्रयोग नीम के दातून के रूप में किया जाता आ रहा है। जी हाँ, नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों में मौजूद कीड़े को मारने का काम करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इन कीटाणुओं के कारण ही हमारे दांत खराब होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप नीम की दातून से रोज़ाना अपने दांतों की दातून करें। ऐसा करने से दांतों में लगा हुआ कीड़ा दूर हो जाएगा और आपके दांत स्वस्थ यानी कि हेल्दी भी बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप नेक्स्ट वाले उपाय में 2 से 4 लौंग को लेकर इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अब इस पाउडर को जिस दांत में कीड़े हो उस पर लगा दीजिए और अपना मुंह बंद करके 5 से 10 मिनट तक बंद ही रखिए। जी हाँ, मुंह में बनने वाले लार को भी आप कीड़े वाले दांत पर ही बनाए रखें, इसे थूके ना। जी हाँ फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप लौंग को पीस कर ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, इसकी जगह पर आप लौंग के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, लौंग के तेल की 2 से 4 बूंदों को आप अपने कीड़े वाले दांत पर डाल दीजिए। ऐसा रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार करने से आपके दांत से कीड़ा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो एक रुई लीजिए और उसे लौंग के तेल में भिगोकर अब उस रुई को अपने कीड़े वाले दांत पर रख दीजिए। इसे लंबे समय तक ऐसे ही रहने दीजिए। ये दांत में कीड़ा लगने का इलाज में सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसको आप चाहे तो दिन भर भी अपने मुँह में रख सकते हैं। जी हाँ, बस सुरई को लौंग के तेल में अच्छे से भिगो कर रखिए। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो कि 100% काम करेगा। जी हाँ, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हींग यानी कि एसाफोटिडा की हेल्प से भी अपने दांतों के कीड़े का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, आप हींग में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ कर इसका मिश्रण तैयार कर लीजिए और रोज़ाना कीड़े लगे हुए दांत पर इसे लगाइए। इससे आपके दांतों का कीड़ा बाहर निकल आएगा। जी हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, खाना खाने के बाद हमारे मुंह में खाने के कुछ कण दांतों में ही रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर इनको समय पर नहीं निकाला जाए तो ये दांतों में बैक्टीरिया और साथ ही कीड़ों को जन्म देते हैं जिससे कि दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड, इससे बचने के लिए हमेशा खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला ज़रूर करें। जी हाँ, कुल्ला मुँह में बचे हुए खाने के सभी कणों को बाहर निकालने में बहुत ही हेल्प करता है और साथ ही दांत पर कीड़ा लगने से भी हमें बचाता है। और हाँ फ्रेंड, रोज़ाना ब्रश करें या फिर आप हो सके तो नीम के दातून का प्रयोग ज़रूर करें। और अगर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो रोज़ाना टूथब्रश का उपयोग करने से पहले उसे गर्म पानी से ज़रूर धोएं, क्योंकि फ्रेंड्स, टूथब्रश पर बहुत सारे वायरस आकर बैठ जाते हैं जो कि दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कीड़े लगे हुए दांत के दर्द का उपचार में बर्फ़ का प्रयोग करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जी हाँ, टीथ पेन रिलीफ के लिए बर्फ़ के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटकर दर्द करने वाले टीथ पर सेंका करें। ऐसा करने से आपको दांत के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। जी हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।